60 और 70 के दशक की साउथ फिल्मों की सनसनी जयललिता जयराम को सिर्फ जयललिता के नाम से ही जाना जाता है। सिर्फ 15 साल की उम्र से अपने फिल्मी सफर का आगाज करने वाली जयललिता ने बहुत ही कम समय में स्टारडम का रुतबा हासिल किया था। कई कामयाब फिल्में भी जयललिता के नाम रहीं। जयललिता ने करीब 130 फिल्मों में काम किया और इस दौरान उनके एम जी रामचंद्रन के साथ रिलेशनशिप को लेकर कई तरह की गॉसिप्स भी सामने आई थी, पर इन सब की परवाह किए बिना जयललिता आगे बढ़ती रही। जयललिता के फिल्मी सफर में एक हिंदी फिल्म का नाम भी शामिल है और वो फिल्म जयललिता ने उस समय के गरम धर्म धर्मेंद्र के साथ की थी। नाम था इज्जत। इज्जत फिल्म 1968 में रिलीज हुई थी, जिसमें जयललिता ने एक आदिवासी लड़की का बिंदास रोल निभाया था। हालांकि इस फिल्म में अभिनेत्री तनुजा भी थी, पर जयललिता के काम को उस वक्त काफी सराहा गया था और ये फिल्म कामयाब भी रही थी। धर्मेंद्र के साथ जयललिता ने काफी मजेदार डांस भी किया था। जयललिता के डांस को भी उस वक्त काफी तारीफ मिली थी, पर इसके बावजूद जयललिता दोबारा किसी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आई। इस फिल्म को टी प्रकाश राव ने निर्देशित किया था। हालांकि जयललिता ने बाद में एक इंग्लिश फिल्म जरूर की थी,